खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जलई पुलिस खानेवाल की बड़ी कार्रवाई, 3.25 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। जबकि DPO खानेवाल तफसीलात बताते हुए, पुलिस खानेवाल जो है वो क्राइम के अगेंस्ट अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, तो मेरी अभी एक महीना पहले यहाँ पोस्टिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम अल हराम भी पीसफुली गुजर गया। फिर मैंने अपने DSPs के साथ, SHOs के साथ 2-3 मरतबा एक महीने के अंदर मीटिंग की है, क्राइम के बारे में डिस्कस किया है, हॉट स्पॉट्स जो जहाँ हमारे क्राइम ज़्यादा होता है उनको आइडेंटिफाई किया है। मेरे DSPs की, SHOs की टीम अच्छी है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई गश्त मशर की, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने लेना शुरू की, और इसी तरह जब हमने कार्रवाइयाँ करना शुरू की हैं तो स्नैचिंग के, डकैती के, चोरी के और इसी तरह फ्रॉड के हमने काफ़ी सारे मुलजिम तमाम सर्कल्स में पकड़े हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DSP सदर के ऑफिस में, तो वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3.25 करोड़ का सामान एक महीने की कार्रवाई में, एक्चुअली 20 दिन के अंदर हमने वो किया है, जिसमें 14 मोटरसाइकिल पकड़े हैं, 10 के करीब मुलजिम पकड़े हैं, गैंग्स पकड़े हैं जिन्होंने यहाँ खानेवाल में मुख्तलिफ 17 वारदातों का इंकशाफ किया, जिसमें डकैती, रहजनी और चोरी शामिल है। उसमें हमने घी बरामद किया है, उसमें हमने मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, गाड़ी बरामद की है, और चोरों का हमने शिनाख्त प्लेट पे भी भिजवाया है ताकि उनकी शिनाख्त हो प्रॉपरली और जो है उसके बाद उनको सज़ा मिले। उससे हमारा इंशाल्लाह क्राइम फिगर भी कम होगा और हमारे अमन और जो हमारे पब्लिक के जान माल का तहफ़ है इंशाल्लाह वो भी यकीन।